ट्रैक्टर की सीट के पीछे जो प्लेट लगती है ये वही प्लेट है, वही वही कौन है? तो जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK की पावर में। तो गाइस आज मैं वापस उसी लोकेशन पर आ चुका हूँ जहाँ पे अपने भाई निशु का ट्रैक्टर से स्टैंड करते समय मौत हो गई थी। तो कैमरे पे भाई सुरेंद्र मैं हूँ और लोकेशन आप लोगों को पता है पानीपत के अंदर यमुना नदी के पास में है। तो यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही कारण है कि यार निशु भाई की जो आत्मा है उसको री इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब चेकआउट करने के लिए। और निशु भाई का जो बार बार बोलते हैं गैस तो वो भी हो चुका है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे बस लास्ट बार हो सकता है हमारा यहाँ पे गैस लास्ट हो और इसके बाद में हम हमारे गांव चले जाए वापस। तो आज बस जो भी है जांच पड़ताल करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। क्या आज भी भाई की आत्मा यहाँ पर मौजूद है तो इसका पता लगाएंगे। और कुछ भाई लोग हैं जो यार गलत समझ रहे हमारा वीडियो बनाने का मकसद को, तो यार आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि मैं भाई के ऊपर कोई गलत वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि यार लोगों तक ये संदेश जाए कि भाई की आत्मा की शांति के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो सब लोग प्रार्थना करें। तो बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी यार इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो सीधा चलते लोकेशन की ओर, क्योंकि गाइस टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव बता देता हूँ, टाइम 11:19 हो रही है भाई। चलते हुए ना चलो चलो, 11:19 हो रही है और वही लोकेशन है यमुना नदी के तट पर हम लोग। तो आ जाओ भैया सीधा चलते हैं, चलो भाई। और हाँ गाइस यार हो सकता है हमारे यहाँ पे लास्ट बार हो, अंतिम बार हम लोग यहाँ पर जा पा रहे आगे। तो आज मैं आप लोगों को पूरी लोकेशन एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। जो पानी की नदी है उसके पास में भी आप लोगों को लेकर चलूंगा यार कि नदी के अंदर कितना पानी है। यहाँ से ट्रैक्टरों के टायरों के भी बने निशान है, अभी भी निशान है यार। गाइस भाई का जो ट्रैक्टर था यार टोचन किंग जॉन डियर और शिवराज ट्रैक्टर, तो भाई के हमेशा यहीं से निकलते थे और इसी लोकेशन को भाई हमेशा टारगेट करता था यार। आप लोगों को पता है क्योंकि ये जो जगह है बिल्कुल शांत एंड माहौल है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है और ना ही किसी की मतलब ट्रैक्टर की वॉल्यूम से उस चीज़ से किसी को परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि आसपास में घर भी नहीं है गाइस यहाँ पे। और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पे फिलहाल के लिए बंद हो चुकी है क्योंकि केस वेस का जो मामला था वो सब कुछ निपट चुका है गाइस। और जो भाई की मौत हुई थी वो सबके सामने लाइव हुई थी यार, कैमरे के अंदर भी रिकॉर्ड हुई थी वो चीज़। आ जाओ भाई आगे चलते सीधा नदी के पास में। चलो भाई पत्थर वगैरह पड़े हैं जब भी अभी कितने पड़े हैं पत्थर पड़े हैं और जेसीबी के जेसीबी चलाई उसके टायर भी बने हुए हैं यार। ओ भाई क्या हुआ, कुछ चीज उड़ के गई थी यार अभी, वो देखते लाइट के फोकस से वो आ जाओ सामने ना पत्थर वगैरह। तो गाइस जैसे जैसे हम लोग नदी के पास में जा रहे हैं तो जहाँ पे क्या पानी होता है ना गाइस, तो यार उस जगह पे क्या घास उग जाती है। बाकी जो ट्रैक्टर जो स्टैंड कर रहे थे भाई लोग तो वो जगह पीछे है और ये देखो गाइस यहाँ पे पेड़ दस्ते है भाई, यहाँ पे गीली है अभी गीली है। इधर आओ सुरेंद्र, ट्रैक्टरों के टायरों के निशान बताओ पहले तो यार सबसे पहले। गाइस ये जो जगह आप लोग पहले बार देख रहे होंगे, मैं जितनी भी बार यहाँ पे आया हूँ उन सब वीडियो में ये जगह देखने को नहीं मिली आप लोगों को। ट्रैक्टरों के निशान नहीं, पूरे ट्रैक्टरों के अभी भी निशान बने हुए हैं ये देखो। और यहाँ पे भाई के ट्रैक्टर के अलावा और कोई दूसरा ट्रैक्टर आता नहीं था यार, अभी भी बने हुए ट्रैक्टरों के निशान। तो गाइस ट्रैक्टरों के टायरों के निशान तो आप लोगों ने देख लिए होंगे और लोकेशन यही है, बाकी पानी आगे है। तो गाइस आगे हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि पेड़ धंसते हैं इसके अंदर यार, और आगे कीचड़ भी है तो गाइस यार उसमें फिर मामला बैठेगा नहीं। एक बार इधर चलते चलो भाई। बस अब भी इस लोकेशन पर हम लोग खड़े हैं तो यार हम लोगों को कोई ऐसा फील नहीं हो रहा है मतलब कि कुछ स्पिरिट वगैरह या कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे होगी यार। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता गाइस यार, यहाँ पे और भी किसी की मौत हो रखी हो तो उसकी भी स्पिरिट मान लो अचानक से कोई सामने आ जाए या हावी हो जाए हमारे ऊपर
तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कहते यार। और हम लोगों ने तो गाइस यार हमारी आंखों से कई ऐसी सारी लोकेशन पे देखा है यार, जो स्प्रिट होती है वो कई सारी तरह की होती है, मतलब अलग अलग रूहें होती है उसमें यार। कोई शांत रूह होती है, कोई बहुत ज़्यादा गुस्से वाली रूह होती है, तो हर चीज़ों का सामना करना पड़ता है गाइस। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि यार अंतिम वीडियो हो सकती है ये, और आप लोग जितना हो सके हमेशा भाई के लिए प्रार्थना करता रहना भगवान जी से यार, कि अपने चरणों में भगवान भाई की आत्मा को शांति प्रदान करे, क्योंकि हमारे जो भाई निशु देशवाल थे यार, सबके जाने माने प्यारे भाई थे। और आप लोग सभी जानते हो कि भाई ने एक अलग पहचान बनाई ट्रैक्टर से यार, ऐसा कोई भी नहीं है यार जो अपने हरियाणा पंजाब के अंदर जिन्होंने ऐसी अलग पहचान बनाई होगी। सिर्फ निशु देशवाल भाई था यार, वो उससे पहले सिद्धू मूसेवाले थे, तो उनके साथ में भी कुछ दगेबाजों ने यार कर दिया वो, तो इस चीज़ को याद नहीं करेंगे। और बाकी एक बार वो जगह और दिखा दे तो आ जाओ सुनो। चलो भाई, यहाँ पे मैं लास्ट बार हूँ शायद यार, हो सकता है इसके बाद में कोई वीडियो नहीं आवे इसके ऊपर यार, तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जगह एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से देख लेना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना यार प्लीज़, जो भी है अच्छे से देख लो। यहाँ पे हम लोगों ने गाइस वो निशु भाई की आत्मा के लिए कुछ थोड़ा बहुत हवन वगैरह किया था, तो ये जगह आज भी बनी, ये देखो दिया। तो भाई यहाँ पे आओ, जहाँ पे ट्रैक्टर स्टैंड कर रहे थे भाई, गाइस देखो यार अभी भी खड्डे वगैरह पड़े हैं यहाँ पे, यहाँ पे कर रहे थे ये स्टैंड वगैरह सब कुछ। ये देखो टायरों के निशान बने हुए अभी भी, वो देखो यार टायरों के निशान बने हुए भाई अभी भी। ये क्या है यार? क्या चीज है ये? क्या चीज है यार भाई? ये ट्रैक्टर का ये नंबर क्या है? कोई ना कोई ट्रैक्टर का पार्ट्स है भाई। इसका मतलब यहाँ पे कोई और भी चीज मिल सकती है अपन को यार, जो भी थोड़ा खुरेड़ के देखते कहीं ना भाई। क्या ये क्या चीज है? कांच है, शीशा है कोई ना कोई। गाइस यार यहाँ पे हो सकता है कोई चीज मिले या, क्योंकि ये पार्ट्स यहाँ पे टूटा पूरा मिला था हमको। चलिए देखो, यहाँ पर कोई मिट्टी में दबी हुई है, हो सकता है कोई कुछ चीज। और क्या हुआ? ये क्या है? और ये प्लेट है भाई, ये तो वही प्लेट नहीं यार। हाँ यार, सीट के जो पीछे लगी थी वही प्लेट है। गाइस आप लोगों को पता होगा ट्रैक्टर की सीट के पीछे जो प्लेट लगती है ये वही प्लेट है। वही ये देखो। हाँ भाई, भाई प्लेट है। और मिलेगा अपन को क्या? कुछ ऐसी चीज है जो और मिल सकती है अपन को? वही यार। हाँ ये अपन उनको दे देंगे भैया, भाई की जो ट्रैक्टर की जो एक एक चीज थी गाइस वो कीमती है यार, ये वापस लगाएंगे उसी ट्रैक्टर के भाई, अपन दे देंगे उनको गवा लोग है ना। हाँ यार भाई, जो निशु भाई के दोस्त है उनके भाई वगैरह है उनको गाइस हम लोग ये दे देंगे भाई। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टायर बना हुआ है। हाँ यहाँ पे भी टायर बना हुआ है। ये क्या चीज है यार? उतरी यार। फोन है तो भाई यार, कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई, फूट गया ऐसा तभी तो। किसको हो सकता है? क्या लगता है आपको किसको हो सकता है यार? निशु भाई का तो नहीं है। हाँ सुरेंद्र भाई, इसके सिम है इसके अंदर। हाँ सिम लग, देखो कोई सिम लगी हुई इसके अंदर यार। देखो निकालू क्या इसको भाई? निकालू क्या इसको भाई? सिम लगी हुई है इसमें, निकालता हूँ इसको। इधर आओ सुरेंद्र, निकल चेक तो करते यार इसको यार। सिम लगी हुई है भाई, क्या लगता है आपको यार? लेकिन एक बात तो है यार सुरेंद्र भाई। क्या? जब निशु भाई इस जगह पे ट्रैक्टर को खड़ा कर रहे थे ना, हाँ। आपने देखा उस वीडियो के अंदर निशु भाई मतलब ऐसे व्लॉगिंग कर रहे थे उसके अंदर। हाँ यार। हाँ लेकिन ये वो फोन तो नहीं है, क्योंकि एप्पल वाले मोबाइल से कर रहे थे यार। चभी तो रुको, इधर आओ। क्या पता जेब से गिर गया होगा। देखो भाई यार, आजकल हर बंदे के पास में दो दो तीन तीन फोन होते हैं यार, ऑफकोर्सली यार, तो हो सकता है उसका भाई का सेकंड फोन हो। चभी तो
भाई सिम है इसके अंदर, इधर आओ। सिम तो है इसमें, वो देखो। भाई यार सिम का निकालना पड़ेगा भाई। हाँ भाई यार सिम निकल नहीं रही, एक बार सिम को चेक करते कौन सी कंपनी की सिम है। क्या हो सकता है भाई यार, सिम निकल क्यों नहीं रही। चलो छोड़ो सिम को यार, सिम को छोड़ो भाई। भाई इसकी बैटरी वगैरह गिर गई मेरे को लगता है, यहाँ पे गड्डी भी बैटरी वगैरह। तीन चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे मिली भाई, दिखो भाई यार। गाइस ये मोबाइल है, अब इसका मैं खुलासा तो बिल्कुल नहीं कर सकता कि यार कि ये मिशु भाई का होगा, क्योंकि यार इसकी बैटरी नहीं है। हम लोग इसको चालू भी करके देख सकते थे लेकिन यार बैटरी यहाँ पे है नहीं है। हम लोग और भी अच्छे से यहाँ पे जांच पड़ताल करेंगे और देखेंगे यहाँ पे इसकी बैटरी मिलेगी तो गाइस हम लोग इसको चालू ज़रूर करके देखेंगे और इसके अंदर क्या क्या डेटा है भाई का। हो सकता है अगर निशु भाई का होगा तो गाइस यार हम लोग उनके घर वालों को लौटा देंगे, और अगर जिसका भी होगा तो हम लोग इसको चालू कर देंगे और उनको लौटा देंगे यार। वैसे तो ये फूट चुका है, चलेगा नहीं चलेगा यार। मेरे को लगता है यहाँ पे कोई आया नहीं भाई, कोई नहीं आया गाइस। हम लोग भी आए थे लेकिन यार पहले इस जगह पे चेकआउट किया नहीं हम लोगों ने यार। क्या भाई? हाँ यार भाई यार ये तो प्लास्टिक है। हाँ किसको आवाज आई? कोई आवाज आई नहीं, इग्नोर करना इग्नोर। देखो कौन है, इसकी आवाज है यार। इधर से आ रही है पीछे से आवाज। हाँ ओए सामने भाई भाई। हाँ भाई भाई, भाई वो कौन हो? क्या लगता है भाई? बिल्कुल शांत खड़ी है वो तो यार, देखो हाँ कुछ हलचल नहीं है। निशु की आत्मा लग रही है। नहीं नहीं भाई निशु भाई की नहीं है, वो लग रही मेरे को यार भाई। भाई इसको दूर से देखो, दूर से देखो, देखो पास में नहीं आ अपने यार। वो देखो देखो जो कोई भी हो प्लीज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। समझ देखो हम यहाँ पे आपका कुछ करने के लिए नहीं आए हैं, प्लीज आप जो भी हो हमको माफ करना। समझ तो हमसे बात करने की कोशिश करो, आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर आपकी आत्मा यहाँ से मुक्ति नहीं हुई है तो आप हमको बताइए, हम किसी तांत्रिक या चलो चलो देखो तुम जो भी हो प्लीज हमको हमारा काम करने दो और हमको तुम परेशान मत करो। सुंदर भाई वो जो आत्मा थी ना निशु भाई की नहीं थी भाई। क्या किसकी थी यार? और थी मेरे को पता ना भाई यार। और की थी? निशु भाई होता तो अपन को क्यों परेशान करता भाई यहाँ पे। हाँ यार भाई तो क्या पार्ट से तो ले रहे थे उनका फोन, कन्फर्म नहीं कह सकते भाई यार निशु भाई का मोबाइल हो सकता है, बाकी पता लगाएंगे इसका यार। ओए कौन है? कौन है? ओ भाई भाई पीछे पीछे यार, पीछे पीछे भाई देखो पीछे पीछे यार। ओरे ओरे वो देखो, ओरे यार वो देखो वो आ रही है सामने से। हो रही हो रही हो देखो भाई भाई संभल के संभल के संभल के संभल के भाई 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 हो रही हो सामने आ रही है। चल उधर हो रही हो दूर हो भाई दूर हो सही हो रही भाई भाई। हाँ भाई क्या हुआ? मेरे को फोन निकाल ले तू। चलो चलो उस ऐप के माध्यम से पता करते हैं ये किसकी आत्मा है। हाँ निकालो यार वो देखो हो रही हो रही वो देखो वहाँ पे जाके खड़ी हो गई सामने। सामने आकर खड़ी हो गई उधर देखो जा रही है, उधर देखो वो जा रही नदी की तरफ, जा रही है नदी की तरफ भाई, नदी की तरफ जा रही है।
हाँ यार देखो तुम जो भी हो प्लीज हमसे बात तो करो एक बार, कौन हो, क्या हो, आपका नाम बताओ कुछ। वाह वाह नदी तरफ जा रही हूँ, नदी तरफ है। पीछे हो तुम, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सुनो सुनो। देखो यार, हाँ भाई बैटरी ढूंढ रही है क्या करे इसका, बैटरी ढूंढनी पड़ेगी, ऐसे चले के नहीं फोन। उधर देखना भाई, हुई वो आ रही भाई, इधर ही आ रही, वापस आ रही, वापस वापस आ रही, इधर आ जाओ तुम, इधर सुनो सुनो, वापस आ रही हो। इधर देखना कोई जगह हो तो अपन इधर छुप जाते भाई, उधर कोई नहीं है, उधर तो कोई नहीं है, ऊंचाई पे आ गए हम तो, ऊंचाई पर आ गए नहीं, इधर क्या लाइट का फोकस है, सभी सभी क्या करें, क्या करें, निकलते यहाँ से अभी तो, अभी बैटरी का क्या करें, बैटरी का, हाँ यार बैटरी यार सुबह आके ढूंढ लेंगे फिर सुबह, हाँ यार हाँ। देखो अपन इसको ज़्यादा परेशान करेंगे तो हो सकता है ओपन ऊपर अटैक भी कर सकती है, ये भी तो, ये भी हो सकता है। गाइस ये मोबाइल हमको मिला है यहाँ पे, अब इसका कुछ नहीं कह सकते यार, किसका हो सकता है यार, देखो तो अपन सुरेंद्र भाई एक काम करते हैं, इसकी बैटरी जो है ना, वैसे अपन रुक तो यहीं रहे पास, और सिम तो फट रही नहीं है, मोबाइल से कनेक्ट पड़ेगा। एक बार सुबह आकर गाइस हम लोग एक बार सुबह आकर इसके जो भी पार्ट्स है वगैरह मिलेंगे हम लोग इसको ढूंढेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो हमको अदर कोई बैटरी लगवा कर इसके अंदर फिर इसको चालू करके देखेंगे ये किसका है। बाकी गाइस इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा जरूर, और अभी के लिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और उस आत्मा के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते गाइस कि वो किसकी आत्मा है यार, अभी के लिए फिलहाल वो गायब हो चुकी है, लेकिन हम लोग रिक्स नहीं लेंगे, यहाँ से निकल रहे हैं यार। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं, वो निकलते अपना, चलो भाई यहाँ से निकलो अभी तो, चलो चलो पक्के चलो, पक्के चलो, 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 चलो।